यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव सीधी से लेकर के अगर सिंगरौली तक बात की जाए तो लगभग 8 विधानसभा में चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव में क्या लगता है कौन होगा? भाजपा। भाजपा राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा जी जानते हैं आप? राजेश मिश्रा बिल्कुल जानते हैं, ये तो लगभग सिंगरौली जिला कहलाता है जी। सिंगरौली जिले में उनका ऐसा क्या रहा कि जैसे आप जानते हैं उन्हें? हम उनका यहाँ डॉक्टर है, उनके यहाँ पास जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं वो जी। तो रिश्तेदारी के चक्कर में वोट बता रहे हैं? नहीं नहीं, पार्टी के चक्कर। पार्टी के चक्कर। भाजपा से क्या ऐसा आपको अब तक जो है तो देखने को मिला कि आप प्रभावित हैं कि उसी पार्टी को फिर से चुनना चाहते हैं? ऐसा है कि बीजेपी में क्या कहते हैं, सब कुछ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, किसान को मिल रहा है, क्या कहते हैं 2000 रुपये मिलती है 4 महीने में, किसान सम्मान सम्मान निधि मिलती है, भरोसा है उनके ऊपर। क्या नाम लिखते हैं आप? गंगा प्रसाद तिवारी। गंगा प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, ये कौन सा गांव है? और बहेरा है, पराई पंचायत है जी। पराई पंचायत कहलाई जी। तो ये पराई पंचायत में लगभग कितने आदिवासी और कितने यहाँ पर सामान्य, कोई ऐसा? सभी जाति होंगे यहाँ पे? हाँ सब जाति हैं, लेकिन यहाँ करीब पराई पंचायत में 7000 से ऊपर जनता है। 7000 जी। तो इस बार सिर्फ आप ही, उसका कहना है मोदी सरकार की लगभग जनता भी? सब सब जनता कह रहे हैं, भाजपा के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा क्या कर दिया है भाजपा ने? भाजपा अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार जी। कांग्रेस नहीं है? नहीं। का है उसमें नेता ही नहीं है कोई इस टाइम पर? प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो कमलेश्वर पटेल खड़े हैं। खड़े हैं। कमलेश्वर पटेल पहले विधायक भी रह चुके हैं, तो नेता तो वो भी हैं। ऐसा क्या है कि मतलब उनके अंदर क्या कमियां दिख रहे हैं? कमियां कांग्रेस वाले कुछ करते ही नहीं आई, अभी पहले सब कर रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस की लाई हुई कभी आपकी ये रोड थी जो डामरीकृत हुई थी, तो कांग्रेस की लाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूलें थी, अस्पताल थी। कहाँ स्कूल जाइए देखिए ना, अब तो बीजेपी की सरकार में स्कूल फर्स्ट क्लास की बनी है, और उनके जमाने में कांग्रेस के जमाने में कच्चा पक्का उधरी फुधरी रही। कांग्रेस के जमाने में कच्चा स्कूल जी, और अब स्कूलें जो है पक्की हो चुकी हैं। पक्की हैं, एक नंबर के स्कूल हैं। लेकिन शिक्षक की भर्ती तो नहीं होती? हाँ शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, तो स्कूल मात्र बिल्डिंग क्या करेंगे? बिल्डिंग मास्टर भी हैं। मास्टर हैं जी। तो कितने शिक्षक होंगे यहाँ? करीब 10-12 हैं, 8 तक है स्कूल। लेकिन शिक्षकों की भर्ती तो होती ही नहीं है, बताइए। हम अतिथि वाले भर्ती करते हैं, अतिथि वालों को। इस नीति में अतिथि जो आते हैं वो सही है कि जो रेगुलर शिक्षक आ जाते हैं वो? अगर वो जो नए लड़के हैं वो पढ़ा रहे हैं अतिथि वाले। अतिथि वाले जी। तो अतिथि मतलब सही चल रहा है? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को भर्ती करना चाहिए? बेरोजगार युवक हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रही है, क्या बताएं हम। तो सरकार क्या बदलनी चाहिए ऐसे में? नहीं बदलनी तो नहीं चाहिए। नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। ग्राम पंचायत पराई आपने बताया, बहेरा से हमारे साथ जो है इस वक्त आप जुड़े हैं और आपसे हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दों पर रूबरू जो हो रहे हैं। प्रदेश में जो है मोहन यादव जो है इस टाइम पर जो है मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले जो थे शिवराज सिंह चौहान थे, इन दोनों की तुलना अगर बात की जाए तो अभी आपको क्या चाहिए? मोहन यादव ही सही हैं या फिर से शिवराज सिंह चौहान आना चाहिए? मोहन यादव। शिवराज सिंह नहीं? नहीं। ऐसा क्यों? हो गया अब 15-20 साल तक रहे, अब दूसरे को मौका दिया जाए। मौका जी, कुछ ये विकास करेंगे ऐसा? विकास तो कर ही रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जी। जी लगता है विकास जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लगातार बने रहें तिरंगे न्यूज के साथ। हर क्षेत्र में सिर्फ मोदी राज जो देखने को मिल पा रहा है, पता नहीं ऐसा क्या जादू हो गया है कि लोग सिर्फ उन्हीं के गुण गा रहे हैं। अभी भी प्रयास होगा हमारा, लगातार जुड़े रहें।